नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इटावा के सबसे प्राचीन मंदिर काली वाहन के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि काली वाहन मंदिर इटावा स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर इटावा ग्वालियर हाईवे पर स्थित है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर यमुना नदी भी गुजरती है। ये मंदिर कम से कम 550 साल पुराना मंदिर है। सिद्धपीठ मंदिर है ये, माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती का। जैसे वैष्णो देवी में 3 पिंडियाँ हैं, इसी तरह से यहाँ पे उनकी मान्यता और यहाँ की मान्यता बराबर मानी जाती है। और ये यहाँ स्वतः निकली थी यहाँ जमीन से। यहाँ हमारे जो पूर्वज थे उनको यहाँ सपना दिया गया था कि हम यहाँ हैं, हमें निकाला जाए। काली वाहन के प्रमुख मंदिर में महाकाली महालक्ष्मी तथा सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही काली वाहन परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। काली वाहन मंदिर को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं हैं तथा इसे एक पौराणिक मंदिर माना जाता है। यहाँ दिखाया तो कुछ नहीं निकला, तो खुदाई करवाई थी। यहाँ ये 3 मूर्तियां छोटी सी निकली हुई थी, जिस तरह से वहाँ वैष्णो देवी इस तरह की थी। फिर उन्होंने कहा इसका क्या किया जाएगा, तो यमुना जी में इनको विसर्जन करवा दिया गया। यमुना जी में विसर्जन करवाने के बाद फिर उनको सपना आया कि हम जहाँ थे हमको वहीं पहुँचाया जाए। तो उन्होंने वहाँ से निकलवा के यहाँ एक छोटी सी मठिया बनवा दी, मिट्टी की बनवा दी। तो यहाँ जंगल था पहले, कोई यहाँ आता जाता नहीं था, डाकू का इलाका था, चंबल पास में है, इसलिए यहाँ काफ़ी डकैत वगैरह भी आते रहे, रुकते भी रहे। उन्होंने पहले वो आते भी थे, घंटे वगैरह भी उन्होंने बहुत चढ़ाए, बड़े बड़े घंटे चढ़ाए थे जो रखे हुए हैं काफ़ी पुराने। और इनका जब मंदिर बन गया तो यहाँ जंगल ही था काफ़ी, 5 बजे 2 बजे के बाद कोई आ रहे हैं, 1-2 लोग आते थे यहाँ पर शुरू में। आज से करीब 15 साल समझ लो तब भी 5 बजे के बाद कोई आता नहीं था। बहुत ही नवरात्रि वगैरह में भीड़ भाड़ होती थी, 24 घंटे भीड़ रहती है। तो झंडा वगैरह जैसे नवरात्रि में ज्यादा चढ़ते हैं, कोई मन्नत मांगता है कि हमारा ये काम हो जाए तो हम झंडा चढ़ाएंगे आपके चरणों में, यहाँ पे चढ़ाएंगे भवन में, इस तरह से झंडे चढ़ते हैं। नवरात्रि में बहुत झंडे चढ़ते हैं। होली अष्टमी भी बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, काफी भीड़ होती है, लक्खी मेला होता है, जगह नहीं होती यहाँ पे नवरात्रि में 24 घंटे भीड़। पूजा का कार्यक्रम जैसे तो आम दिनों में 12 महीने सुबह 5 बजे आरती होती है, एक दोपहर में होती है 5 बजे शाम को, एक शाम को 8 बजे होती है, 3 आरतियाँ तो रहती हैं। और नवरात्रि में मंगला आरती होती है रात को 2:30 बजे से सुबह 4 बजे तक, उसके बाद एक सुबह 5 बजे होती है, फिर दोपहर में भी होती है। पूजा करने का नवरात्रि में तो कोई समय नहीं, 24 घंटे माँ उपलब्ध रहती हैं दरबार में अपने भक्तों के लिए, इसलिए नवरात्रि में किसी भी समय हम आप पूजा कर सकते हैं माँ की। और खास दिनों में जैसे शनिवार है, सोमवार, शुक्रवार, इन दिनों में खास माना गया है देवी जी के पूजन के लिए, इन दिनों भीड़ होती है। और आए दिन जैसे छोटा मोटा त्यौहार है, कोई भी दीपावली, नवरात्रि वगैरह या नई साल वगैरह जो भी है, हर त्यौहार पर यहाँ भीड़ होती है। सब भक्त जो इनसे जुड़े हुए हैं माँ की आस्था से, इनकी आस्था जो लगी हुई है उनसे, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। आपको बता दें कि बीहड़ इलाके में होने के कारण पहले काली वाहन मंदिर पर चंबल के डाकू आदि भी पूजा करने के लिए आते थे। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पूजा आदि के लिए सबसे अधिक भीड़ होती है। मंदिर परिसर के बाहर निकलते ही छोटे से टीले पर बाबा भैरव का मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी लोग पूजा करने के लिए आते हैं। परिसर के बाहर कई प्रसाद की दुकानें लगती हैं, जहाँ से लोग प्रसाद खरीदकर मंदिर में पूजा आदि करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।